सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है, या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का सात स्थान चंदन के कहे, सात स्थान एक चंदन।